पॉलीपोडियम किधर से ओरिजिनेट हुआ है जी? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें पॉली का मतलब है मैनी और पोडियम का मतलब है लिटिल फुट। मीन ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फुट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्दर अकरेंस और जनरल करेक्टरिस्टिक्स और रिप्रोडक्शन वगैरह सारी देखनी है, ठीक है जी। ये जो है इसको हम फर्न भी कहते हैं, पॉलीपोडियम को फर्न भी कह देते हैं हम। अगर इसकी अकरेंस की बात की जाए तो ये पेरिनियल हर्ब है और ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। वैसे ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब तकरीबन दुनिया में हर जगह ही पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा गर्म इलाकों में टेम्परेट रीजन में पाया जाता है और ज़्यादातर ये रॉक्स के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है जी। अगर पॉलीपोडियम के स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे कुछ इस तरह का इसका जनरल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये वाला एरिया जो है इसको कहते हैं जी राइजोम। राइजोम से नीचे आगे ओरिजिनेट हो रही है रूट्स और ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास, ऊपर की तरफ हमारे पास ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास यंग क्वाइल्ड लीफ है, या इसको फ्रॉन्ड भी कह देते हैं, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड भी कह देते हैं। और ये लीफ की बैक साइड के ऊपर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सोराय कहते हैं, ठीक है। फर्दर सोराई अपना रोल प्ले करता है आगे इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया वगैरह होते हैं और उसके अंदर फिर स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अब इसका जनरल स्ट्रक्चर या इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो है जी स्पोरोफाइट, इसकी प्लांट बॉडी है और वो डिवाइडेड है कितने कंपोनेंट, फर्दर डिवाइडेड है और सेवरल कंपोनेंट्स पे वो बेस्ड करती है। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं, राइजोम, लीव्स और रूट्स। जैसे ऊपर डायग्राम में बच्चे मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से हैं, ये राइजोम है, ये रूट्स हैं और ये लीव, ठीक है जी, ये सारी लीव। अब फर्दर इसको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। राइजोम को वो कहता है जी ये मेन स्टेम होती है किसकी, प्लांट की मेन स्टेम होती है, ये राउंडेड होती है और अंडरग्राउंड होती है। इसकी जो एपिक्स होती हैं वो इरेक्ट होती हैं और एपिक्स से न्यू ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं। ये कवर्ड होती हैं पेरिस्टेंट लीव बेसिस के साथ और हेयर्स के साथ और रूट्स आगे फर्दर इससे ही अराइज करती हैं, राइजोम से। इसके बाद आ जाए लीव का स्ट्रक्चर। जो लीव का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है जी, पिनेटली कंपाउंड होता है या सिंपल लीव इसके अंदर पाया जाता है। और जो कंपाउंड लीव इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। मीन जो कंपाउंड लीव है उसके ऊपर ढेर सारे लीफलेट्स हमारे पास आगे प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स हैं वो लूब्ड होते हैं और फ्रॉन्ड की तरह के होते हैं, फ्रॉन्ड की तरह के होते हैं। लीव के पास लंबा सा स्टॉक होता है, स्टॉक भी मौजूद होता है नीचे की तरफ, जो मैंने आपको अभी दिखाया था जब इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे। और लीव्स इसके स्पाइरली अरेंज हुए होते हैं और क्या बना देते हैं, रेटिकुलेट या डाइकोटोमस मीनेशन शो करते हैं। मीन जो लीव स्पाइरली अरेंज हुए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेटिकुलेट या डायकोटोमस विनेशन शो करते हैं। यंग लीव जो है वो सर्कुलर विनेशन शो करते हैं। अब रूट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ अराइज करते हैं, लोअर सरफेस ऑफ राइजोम, राइजोम के नीचे वाली सरफेस के इससे ये अराइज होते हैं। तो ये था जी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं। तो सबसे पहले राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी।
ये कंपोज करता है एपिडर्मिस के ऊपर, कॉर्टेक्स के ऊपर और स्टील के ऊपर। मीन ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो इसके राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखे गए हैं। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर कोई स्ट्रोमेटा मौजूद नहीं होता। कॉर्टेक्स जो होता है वो इसका वाइड होता है, मीन चौड़ा कॉर्टेक्स होता है, और इसके अंदर क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। मीन कॉर्टेक्स कंपोज कर रहा था पैरेन्काइमा टिश्यूज के ऊपर। केनाल इसके अंदर एब्सेंट होती है, स्टील प्रेजेंट होती है, और वो कवर्ड होती है किससे, एंडोडर्मस से और पेरिसाइकल से। मीन स्टील को कवर किया होता है एंडोडर्मस और पेरिसाइकल ने। पॉलीपोडियम के अंदर पॉलीस्टील प्रोटोस्टील पाया जाता है, पॉलीस्टीलिक प्रोटोस्टील पाया जाता है। मीन इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटोस्टील सॉरी स्टील्स मौजूद होते हैं, और हर प्रोटोस्टील क्या होता है, उसके पास कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। और जो जाइलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्सार्ट जाइलम प्रेजेंट होता है। अब लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ऊपर वाली साइड के ऊपर भी और नीचे वाली साइड के ऊपर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर हमारे पास क्यूटिन की एक लेयर मौजूद होती है। लोअर एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर स्ट्रोमेटा भी होते, स्ट्रोमेटा भी मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस है लोअर, उसके अंदर हमारे पास स्ट्रोमेटा भी मौजूद होते हैं, और मेसोफिल टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान। मीन अगर ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, तो इसके दरमियान में जो सारे टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे जी, वो सारे के सारे टिश्यूज मेसोफिल टिश्यूज होंगे, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में ये सारे जो प्रेजेंट होंगे। और जो ये मेसोफिल टिश्यूज हैं ये कौन से हैं, ये जो मेसोफिल बचे टिश्यूज हैं, ये हमारे पास कुछ हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं और कुछ हमारे पास पैलेसाइड मेसोफिल होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल हमें पता है वो स्पॉन्ज की तरह के मतलब ओवल से शेप के होते हैं, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जबकि पैलेसाइड जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये सारे क्लोजली अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, ये और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं वो राउंडेड या ओवल शेप होते हैं, ठीक है। लीफ के सेंटर के अंदर कोलेटरल और कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं। लीफ के सेंटर के अंदर हमारे पास कोलेटरल और कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, या सिंपली कहा जाए तो इसके दरमियान में, लीफ के दरमियान में हमारे पास वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, और वो वेस्कुलर बंडल कोलेटरल भी हो सकते हैं और कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल सा होता है। आउटर जो कवरिंग है वो एपिडर्मिस की होती है, और फिर कॉर्टेक्स मौजूद होता है, और फिर स्टील मौजूद होता है। स्टील जो इसके मौजूद होता है वो प्रोटोस्टील होता है, और वो किस तरह का होता है, वो डायास्ट होता है। अब अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये राइजोम का स्ट्रक्चर था जो हमने ऊपर स्टार्ट में सबसे पहले पढ़ा था, ये राइजोम का स्ट्रक्चर है जी। आप देखें तो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और फिर ये वेस्कुलर सिलेंडर अरेंजमेंट हुई है वेस्कुलर सिलेंडर्स की, और फिर पेरिसाइकल एंडोडर्मिस है, फिर एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल मौजूद है, फिर फ्लोएम है, और फ्लोएम ने कवर किया हुआ है किसको, जाइलम को। तो ये राइजोम का स्ट्रक्चर है जी बच्चे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्शन। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके